कुछ क्यों अहम मतलब है? है क्या ऑप्शन है इसमें इन्वेस्ट करने के और उसका पूरा प्रोसेस सबसे पहली बात क्रिप्टो क्या चीज है ये एक करेंसी की किस्म है जो कि सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है जैसे कि डॉलर्स फिजिकल अवेलेबल है हमारे पास या कनेडियन पाकिस्तानी जो भी रुपीज वगैरह है उनके मुकाबले पे ऑनलाइन मनी है ऑनलाइन करेंसी है जो कि हम लोग इस्तेमाल करके चीज़ें खरीद सकते हैं अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है बिल्कुल इब्ताई हालत में है और बाद लोगों को उसकी पूरी तरह इंफॉर्मेशन नहीं है तो दो किस्म की इसके बारे में ओपिनियंस है एक इसको लेना चाहिए दूसरा नहीं लेना चाहिए कि इसकी बेस नहीं है वगैरह वगैरह लेकिन जहाँ तक हमें पता है जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग किसी ना किसी वजह से उसकी बेस ना होने की वजह से ही शायद उसके ऊपर एतबार नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो जाए कि उसके अंदर मिलियंस की तादाद में सिर्फ मार्केटिंग के लिए पैसे खर्च किए जाएँ तो कहीं ना कहीं जाके उसकी बेस बनी जाती है तो शुरू में चाहे इसकी बेस थी या नहीं लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा आ चुका है कि क्रिप्टो की अपनी बेस ना सिर्फ बन चुकी है बल्कि क्रिप्टो करेंसी भी किसी और चीज़ के लिए बेस बन चुकी है जो कि एन हैं उसके लिए शायद कभी और वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी के लिए क्योंकि सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बात करनी है तो उसी पे चलते रहते हैं जिस तरह आजकल की हमारे पास करेंसीज़ की बहुत किस्में हैं उसी तरह ऑनलाइन करेंसी की भी काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं जिसमें सबसे ऊपर बिटकॉइन आ जाता है फिर एथेरियम आ जाता है और फिर उसके नीचे 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 मुख्य किस्म की करेंसियाँ भी आ रही हैं आजकल बाज़ ऐसी करेंसीज भी हैं जो कि सिर्फ स्कैम के तौर पे बनाई जा रही हैं क्योंकि बहुत आसानी से लोग उसका शिकार हो जाते हैं हम लोग उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी अभी बिल्कुल बेस नहीं है बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें आई हैं कि एक बंदे ने बैठे बैठे एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरी की पूरी करेंसी बनाई उसको पूरी तरह प्रमोट किया और जब लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो वो पैसा लेके भाग गया तो इस वजह से आपको बाखबर रहना चाहिए उस बारे में भी अब बेसिकली जिस तरह दुनियावी करेंसी की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती रहती हैं और उसके जरिए भी बाज़ लोग पैसे कमा रहे हैं इसी तरह इस क्रिप्टो करेंसी की भी प्राइसेस ऊपर नीचे जाते रहती हैं और बाज लोग उसमें भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी ज़्यादा लोग कामयाब भी हो रहे हैं लेकिन मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें वो वाले पैसे डालें जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ थोड़े बहुत मंथली के हिसाब से जितने आप डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो डाले जा सकते हैं वो भी सिर्फ मीम कोइन के अंदर नहीं बाकी जिनकी बेस बन चुकी है जो कि मेन इथीरियम और बेट कॉइन है उन्हीं के ऊपर मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा एज़ अपोर्स टू जो छोटी मोटी कॉइन्स आजकल निकली हुई तो अगर आप मंथली जो भी दस बीस पंद्रह जितने भी आप डाल सकते हैं मंथली के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे तो ओवर टाइम क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की जो बेसिस बन चुकी हैं और उसके आगे इससे भी और चीज़ें निकलती जा रही हैं तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ओवर टाइम बढ़ने लग जाएगी इस तरह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ओवर टाइम आपको प्रॉफिट निकलना लग जाएगा अगेन मैं ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता हाँ यह है कि लॉन्ग टर्म के, के हिसाब से आपको उसमें फायदा होने लग जाएगा दोबारा से दोहराता हूँ ये फाइनेंशियल नसीहत नहीं है लेकिन ये मैं सजेस्ट करूंगा किसी को भी आगे आपकी मर्जी की आप खुद करना चाहते हैं या नहीं अगला सवाल ये आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदी जाती है तो उसका जवाब यह है कि काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जैसा कि आजकल की दुनिया में बैंक्स हैं उसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिस पर जाके आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं क्रिप्टो के मशहूर होने की एक वजह यह भी है कि इसका इतना ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है और वो इस तरह से कोड की गई है कि आप ट्रैक रख सकते हैं कि कितनी करेंसी अवेलेबल है मार्केट में और किस किस के पास किस किस वॉलेट में कितनी पड़ी हुई है कब ट्रांजैक्शन हुई थी ये सारी डिटेल्स और सिर्फ इसी वजह से इसकी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी है अब बाज़ ऐसी मिसालें भी आ रही हैं जिसमें इनके सिक्योरिटी के वीक पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं लेकिन जैसे जैसे वो वीक पॉइंट्स निकल रहे हैं वैसे वैसे उनके हल भी निकाले जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा आप बेशक इसमें हिस्सेदार बने ना बने क्रिप्टो करेंसी ने हमेशा अब कायम ही रहना है अब जिन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूं उनमें से बाज़ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसी किस्म के रूल्स को फॉलो नहीं करते वो बिल्कुल अपने ही बेसिस और अपने अपने रूल्स के मुताबिक वो बने हुए हैं किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है इस टाइम बाज़ गवर्नमेंट्स कंट्रोल करना चाह रही हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट का बनाया हुआ पैसा ट्रांसफर होने लग गया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो वो चाह रही हैं कि या तो इसको कम से कम किया जाए या इस प्रोसेस को भी कंट्रोल किया जाए जो कि सिर्फ़ बैंकों के, सिर्फ के ज़रिए हो ताकि उसका जो मुनाफा है इस प्रोसेस का वो बैंकों के पास भी आए और किसी ना किसी तरह से बैंक्स कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो बैंक्स हैं या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी वो अपने कंट्रोल के अंदर रखें तो बाज ममालिक में बाज़ प्लेटफॉर्म्स काम नहीं करते बाज़ ममालिक में बाज़ प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहे हैं क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके साथ वो पाबंद रहे हैं। और गवर्नमेंट ने बज़ ऐसी कमेटियाँ और ऐसी सोसाइटियाँ और ऐसे रूल्स और ऑर्गनाइजेशन बनाई हुई हैं जिनका उन्हें हिस्सा बनना पड़ता है लेकिन हिस्सा बनने के लिए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उसकी मेंबरशिप के इस वजह से बास प्लेटफॉर्म्स हिस्सा नहीं बनते और नतीजतन गवर्नमेंट उनको ब्लॉक कर देती है उस कंट्री में और बास प्लेटफॉर्म्स हिस्सा बन जाते हैं इस वजह से वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर रहते हुए ये सब ट्रांजेक्शन आपको करने देते हैं तो आज क्रिप्टो का जो प्लेटफॉर्म यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रिप्टो खरीद और फरोख्त किया जा सकता है उसका नाम है कोइनबे अब ये बहुत ही चंद प्लेटफॉर्म में से एक है जो कि काफी ज्यादा गवर्नमेंट्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रैकेबल तौर से आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदने देता है और ना सिर्फ ट्रैकेबल तौर से बल्कि आप डायरेक्टली अपने बैंक से उसको लिंक कर सकते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन उस तरह आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे तो आपके बैंक के अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके कोइन बेस के अकाउंट में और वहाँ से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो अवेलेबल है वो ख़रीद सकते हैं अगेन क्योंकि कोइन बेस उन चंद प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं और हर चीज़ ट्रैकेबल तौर से बनाते हैं इस वजह से बाज मीम करेंसीज़ जिनका मैंने शुरू में तस्करिया किया था कि उसमें दाखिल होने की आपको ज़रूरत भी नहीं है वो इस पे अवेलेबल नहीं है जो कि मेन करेंसीज़ हैं वो इसके ऊपर अवेलेबल है इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट का है बल्कि बैंक्स का है और बाज आसान तरीके से वो ट्रैक भी रख सकते हैं कि आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है क्योंकि सब कुछ वो अटैच हो जाता है आपकी गवर्नमेंट की आईडी के साथ और सब कुछ ट्रैकेबल है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह ये तजारत बिल्कुल लीगल तौर पे की जाती है गवर्नमेंट के हिसाब से तो चलें शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये वाला लिंक शेयर किया हुआ है जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले मैसेज नजर आएगा कि भाई ने आपको इन्विटेशन सेंड की है और उस इन्विटेशन की वजह से आपको बारह डॉलर फ्री में मिलेंगे फ्री में लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने 128 डॉलर की क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है अब इस मेन पेज पे आपने सबसे पहले ये करना है कि अपना नाम एंटर करें फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस डालें और कोई भी पासवर्ड उसके लिए चूज कर लें उसके बाद मेक श्योर करें कि आप आई सर्टिफाइड दैट आई एम 18 इयर्स ओल्ड वाला सेक्शन सेलेक्ट करें और क्रिएट एन अकाउंट पर सबसे पहला स्टेप जैसे कि किसी भी वेबसाइट का होता है ये है कि आपको एक ई वो भेजेंगे आपने वो ई मेल वेरीफाई करनी है उसका क्या तरीका मैं आपको बताता हूं अपने ई मेल की ID में जाइए आपको Coinbase की तरफ से आई हुई ई मेल नजर आएगी अगर नहीं आती तो जंक फोल्डर में जाके डबल चेक कर लीजिए और वहां से उसको एक्सेप्ट कर लें वेरीफाई मेल एड्रेस के बटन को टैप करें अब क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है सबसे पहला काम ये करेगा कि सिक्योरिटी ऐड करेगा आपके अकाउंट के ऊपर सेटअप टू स्टेप वेरिफिकेशन उसका मतलब ये होता है कि ना सिर्फ आप पासवर्ड से साइन इन करेंगे बल्कि पासवर्ड के अलावा ये आपको इस नंबर के ऊपर जब भी आप साइन इन करेंगे तो हमेशा इस नंबर पे वो कोड सेंड करेगा जो कोड आप एंटर करेंगे उस प्लेटफॉर्म के अंदर तभी आपको एक्सेस मिलेगी अपने अकाउंट से तो मेक श्योर करना है जो भी फ़ोन नंबर आप ऐड करें वो फोन नंबर आपके पास हमेशा रहे तो यहाँ पे अपना फोन नंबर ऐड कीजिए और सेंड कोड के बटन को दबाइए ये आपको एक कोड सेंड करेगा मेक मेश्योर करें कि आप वो कोड एंटर करें अगर आपको कोड नहीं आता सिंपली रीसेंड टेक्स मैसेज के बटन को दबाएं तो आपको कोड आ जाना चाहिए अगर आपने गलत फोन नंबर मिलाया तो यूज़ एन अदर फोन नंबर का ऑप्शन ये नीचे करके दिया हुआ है उसके बाद सबमिट कीजिए तो मैं जैसा कि कह रहा था कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करता है तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपका ट्रैक रखे आपने जो भी क्रिप्टो खरीदनी है वो सब कुछ आपके अकाउंट में सेव रहे सही तरीके से तो इस वजह से आपकी गवर्नमेंट की आई वो सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर होगा सिंपली आप सिलेक्ट करें कि किस गवर्नमेंट से आप बिलोंग करते हैं उसकी आईडी अपलोड करें और वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा अगले स्टेप में आपने सारे अपने एड्रेस वगैरह एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस ये सारी डिटेल्स डालनी है ये जैसे ही डाल लेते हैं इसके अलावा ये आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपनी आई की तस्वीर लेके वो भी अपलोड करें ताकि वो वेरीफाई कर लें ये सिंपल स्टेप्स हैं क्योंकि ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है इस वजह से मैं ये स्टेप यहीं पे छोड़ देता हूँ लेकिन क्योंकि ये स्टेप्स बहुत इजी टू फॉलो है आप सिंपली इनको फॉलो कीजिए जब आप ये सारी डिटेल्स दे देते हैं तो इसके बाद कुछ घंटों के अंदर अंदर शायद इसके 24 घंटे लगे ज्यादा से ज्यादा ये आपका अकाउंट अप्रूव कर देंगे जब अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद के स्टेप्स की बात करते हैं अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है तो इसकी अपनी ऐप भी है जैसा कि आप देखेंगे कि ऐप स्टोर के ऊपर पचपन हजार लोगों ने इसको फाइव स्टार तकरीबन फोर एंड ए हाफ स्टार बल्कि की रेटिंग दी हुई है और सामने लिखा हुआ है तकरीबन तक मिलियन लोग इस ऐप को करेंटली यूज कर रहे हैं तो आप वो वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करें इसके बाद अपनी एप्लीकेशन को ओपन करें और ये साइन इन का जो बटन है इसको दबाइए अब एक दफा तो आपका अकाउंट खुल जाता है आप साइन इन कर देते हैं उस ऐप आप में आपने पहले मेक श्योर करना है कि आप इन तीन लाइनों को दबाइए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर उसके बाद प्रोफाइल एंड सेटिंग्स के अंदर जाइए और यहाँ पे आपने मेक श्योर sure करना है कि सिक्योरिटी के अंदर जाके रिक्वायर पिन या टच आईडी वाला ऑप्शन अगर आपके लिए मौजूद है तो वो ऑन कर दें उसके अलावा पिन और टच आईडी की सेटिंग्स के अंदर जाके वो भी सारी चीज़ें ऑन कर दें रिक्वायर टू ओपन एप्लीकेशन रिक्वायर टू सेंड क्रिप्टो यूज़ टच आई ये सारे सिक्योरिटी के फीचर हैं क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल एप्लीकेशन है इसमें एक्सेस बहुत ज़्यादा सिक्योर होनी चाहिए लेकिन याद रखिएगा जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं इसके अंदर वो कहीं खुफिया जगह पे अपने तौर से लिख के रख दीजिए क्योंकि अगर आप वो भूल जाते हैं तो इसकी एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है अगर आप दोबारा से उन तीन लाइनों को दबाते हैं और यहाँ पर मेक श्योर करते हैं प्रोफाइल और सेटिंग्स के अंदर जाइए तो यहाँ पे सबसे ऊपर एंड ए पेमेंट मेथड का ऑप्शन है जिससे आप अपनी बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन लिंक करके या जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करना है उसकी इन्फॉर्मेशन डाल के डायरेक्टली उससे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर ताकि उन पैसों को यूज़ करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय की जा सकती है जो आपकी पेमेंट मेथड की लिमिट है वो खुद ही ब खुद ही इंक्रीज़ होती जाती है अगर आप अकाउंट के ऑप्शन में जाएं और लिमिट्स एंड फीचर के ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिटेल्स से बता देगा कि आपकी क्या लिमिट है और कैसे उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है बेसिकली जैसे जैसे आप खरीदते जाते हैं जैसे, जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होती जाती है इसमें एक और चीज़ बताता जाता हूँ शायद आपको इसके बारे में ना बताओ थ्री डी सिक्योर्ड परचेसिस क्या होती हैं वो वोली ट्रांज़ेक्शन्स होती हैं कि अगर आपकी ट्रांज़ेक्शन हो जाए जिसमें अगर आपने क्रिप्टो कुछ ख़रीदा है और वो क्रिप्टो जो आपके पास आया है वो किसी ने चोरी किया हुआ था और गवर्नमेंट उस बंदे के पीछे पड़ी हुई है तो वो जो क्रिप्टो आपके पास आ गया जो कि आपने लीगली तौर पे ख़रीदा है उससे बेशक पैसों में कम पैसों में या ज़्यादा पैसों में वो आपके पास ही रहेगा और वो वापस करना जो कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है ये सिर्फ इस सिचुएशन में बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं इस वजह से थ्री डी सिक्योर पेमेंट वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसी तरह इंपॉर्टेंट होता है जो ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग की जाती है जिसमें अगर खुदा ना कास्ता कोई चोरी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपकी परचेसिस करता है ऑनलाइन आपके स्टोर से और गवर्नमेंट ट्रैक कर लेती है कि वो चोरी का क्रेडिट कार्ड था तो बजाय इसके कि आपको पैसे वापस करने पड़े जो कंपनी है जिसके ऊपर आपने वो सारे सिस्टम बनाया हुआ था वो गवर्नमेंट को वापस करेगी पैसा खैर ये बहुत ज़्यादा डिटेल थी शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े एनीविज़ अब बात करते हैं कि कैसे आप पेमेंट का मैथड इसे अटैच करेंगे तो वो एड ए पेमेंट का मैथड जो है उस बटन को दबाएंगे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं पेपाल या डेबिट और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेकिन मैं दोबारा से कहूँगा क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल्स को ज़्यादा फॉलो करती है एप्लीकेशन इस वजह से पेपाल को इतना ज़्यादा सिक्योर अभी नहीं समझा जाता अभी के लिए उसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आप डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं तो इस वजह से क्रेडिट और डेबिट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे देखें बल्कि ऑप्शन को क्लिक करने से पहले आप देखिए इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट का मैसेज उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने वैशी नहीं हो जाना आप लोगों ने लॉजिकल ट्रांजेक्शन करनी है इसी वजह से उन्होंने लिमिट लगाई हुई है ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें बजाय इसके कि बस सारा पैसा रोड़ दो तो इस वजह से आप क्रेडिट और डेबिट के ऑप्शन को दबाइए और यहाँ पे सीधे अपने कार्ड की इन्फॉमेसन एक्सपायरी डेट सी वी सी पोस्टल कोड वगैरह जो भी ऐड करना है वो सब कुछ ऐड करें तो वो आपकी इन्फॉमेसन सेव हो जाएगी जैसे कि मेरे पास पहले से ही दो पेमेंट मेथड हुए हैं सेव ये टॉप मूवर्स के अंदर दोबारा से वही मीम कोइंस और

सी ए रिप्रजेंट करता है कैनेडियन डॉलर्स को तो इस वजह से मैंने जो भी अमाउंट लिखनी हो यहाँ पे अगर 50 डॉलर मैं खर्च करना चाहता हूँ कैनेडियन वो करूँगा उसके बाद वन टाइम की पेमेंट करूँगा या डेली ट्रांज़ेक्शन करना चाहता हूँ वीकली करना चाहता हूँ फर्स्ट एंड एंड फिफ्टीन ऑफ एवरी मंथ जो भी आटोमेटिक ट्रांजेक्शन मैं करवाना चाहता हूँ वो मैं करवा सकता हूँ और प्रीव्यू बाय का मतलब है कि एक्चुअली ख़रीदने से पहले आप देखें कि आपकी ट्रांजेक्शन क्या है उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है ट्रांजेक्शन का वो सारी डिटेल मसलन इसमें आपको बता रहा है कि इवन दो आप पचास डॉलर का ख़रीदने हैं लेकिन कॉइन बेस दो डॉलर उसमें से ट्रांजेक्शन की फ़ीस लेगी और बाकी आपके अकाउंट में इथीरियम की हालत में आ जाएगा अब देखेंगे तो यहाँ पे इथीरियम की प्राइस कॉन्सेंटली चेंज हो रही है मसलन ये देखें अभी फ़ौरन से वो चेंज हो गई है तो इस वजह से क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है इस वजह से अगेन उसके ऊपर नीचे होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं गुजरा इस वजह से जो भी करना है बाय नाउ का बटन दबाऊंगा और वो खरीदी जाएगी अब एक दफ़ा आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर ली और आपके पास कोई एसेट क्रिप्टो करेंसी आ गई है तो ये जो नीचे एसेट्स का ऑप्शन है इसको दबाएँगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन सी करेंसीज़ हैं उसकी क्या वैल्यू जा रही है डोज कोइन के बारे में मैं दोबारा से यहाँ पे तस्करा कर दूँ कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये सिर्फ टेस्ट के तौर पर मैंने हंड्रेड डॉलर के बाय किए थे तकरीबन आज से एक साल पहले अभी तक उसकी प्राइस हंड्रेड तक दोबारा नहीं पहुँची अब जब से आपके पास ये एसेट्स पड़े हुए हैं आप उन एसेट्स की डिटेल इस ग्राफ में देख सकते हैं वो लाइन ऊपर जाने का मतलब है कि प्राइस ऊपर जाती रही है और नीचे जाने का मतलब है प्राइस नीचे जा रही है अगेन शॉर्ट टर्म में इसका बहुत ज़्यादा असर होता है आपके दिमाग पे आपकी टेंशन पे आपकी लाइफ स्टाइल पर क्योंकि तो आप चौबीस घंटे देख रहे हैं यार इस टाइम क्या प्राइस आ रही है ताकि मैं ख़रीदूँ या बेचूँ खरीदू या खरीदूँ या बेचूँ पागल हो होते हैं आप लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि आपने आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में इसकी डिमांड इसकी वैल्यू बढ़ रही है इस वजह से जितना भी अभी डाल रहे हैं जिस भी प्राइस पे आप खरीदें बस खरीदें और काम ख़त्म अब देखिए मसलन एक साल पहले की ट्रांजैक्शंस जो थी जो जीरो से शुरू हो के यहाँ तक की प्राइस चली गई है तो अगर आप नोटिस करें तो कभी प्राइस ऊपर जाती रही है कभी प्राइस नीचे जाती रही है एक पॉइंट पे सोलह थे फिर नीचे गई नौ सौ तक गई लेकिन अब ओवर टाइम नाइनटीन हंड्रेड तक भी ये प्राइस गई हुई है यानी इनकी वैल्यू ओवर टाइम बढ़ती ही जाएगी अगेन ऊपर नीचे होने का कोई मसला नहीं मुझे अब अगर सबसे आखिर पे आप पे के ऑप्शन को देखिए तो रिसीव और सेंड के ऑप्शन भी हैं और यहाँ से आप अपने दोस्तों को एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी भी भेज सकते हैं ये रही सारी डिटेल क्रिप्टो के बारे में क्या चीज़ है कैसे खरीदा जाता है कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है अगर कोई क्वेश्चन हो कॉमेंट्स में छोड़ दीजिएगा वैसी होने की ज़रूरत नहीं आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ उतनी अमाउंट डालें जितनी की अगर रुड़ भी जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो जहाँ पे भी रहें खुश रहें मिलते हैं फिर कभी किसी जगह किसी पर सुजात आउट सामने